हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अंगूठे की शेप की। तो सबसे पहले तीन तरह के अंगूठे होते हैं, जिसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सीधे टाइप का अंगूठा जो इस फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जानते हैं जिनका अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है इनका स्वभाव कैसा होता है, इनकी किस्मत है वो कैसी होती है। जिनका अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है ऐसे लोग पूरी तरह से प्रोफेशनल और थोड़े से इगोइस्टिक टाइप के लोग होते हैं, और ये लोग बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ पसंद करते हैं। इसी वजह से इनको लाइफ में सक्सेस भी खूब मिलती है। इन सभी खूबियों के साथ साथ ये लोग थोड़े से सेल्फिश भी होते हैं, खुद से आगे होकर या किसी की मदद नहीं करते, और अगर इनके पास कोई मदद मांगने आ जाए तो ये लोग पीछे भी नहीं हटते। समय के का जो सदुपयोग है उसका, किस तरह से समय का सदुपयोग करना है ये कोई इनसे सीखे। एक एक मिनट का सही तरीके से उपयोग करते हैं और इसी वजह से कामयाबी इनके कदम चूमती है। इनके रिश्तेदार इनको इगोइस्टिक मानते हैं और इसी लिए रिश्तेदारों के साथ इनकी ज़्यादा नहीं बनती, और प्रैक्टिकल होने के बावजूद पार्टनर के साथ इनकी ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी रहती है। अपने दुख दर्द को यह लोग दिल में छुपा कर रखते हैं और किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग अपने आसपास हो रहे बदलाव को बहुत जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और इसी वजह से जो इनके अंदर चिड़चिड़ाहट है और जो इनका स्वभाव है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा बन जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरी तरह का अंगूठा कैसा होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से हल्का सा मुड़ा हुआ अंगूठा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ना तो पूरी तरह से उसको हम सीधा अंगूठा मान सकते हैं और ना ही ये बिल्कुल पूरी तरह से मुड़ा हुआ, हल्का मुड़ा हुआ। और जिनका अंगूठा थोड़ा पीछे की तरफ झुका हुआ होता है ये लोग लाइफ को फुल एंजॉय करते हैं, और इनकी फैमिली लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही परफेक्ट होती हैं। इनके अंदर सबका दिल जीतने की एक अद्भुत क्षमता रहती है, और ये लोग हर समय एक्टिव रहने वाले और ईमानदार लोग होते हैं। इनकी नेचर भी काफ़ी जॉली और हंसी मजाक करने वाली रहती है, और लाइफ पार्टनर से इनको काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है, और इनकी जो मैरिड लाइफ है वो सुखी रहती है। ऐसे लोगों का जो भाग्य उदय है वो आमतौर पर मैरिज के बाद होता हुआ देखा गया है, और ये लोग बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं और खुद इनिशिएटिव लेकर लोगों की मदद करना इनको अच्छा लगता है। इनको हम चैरिटेबल टाइप के लोग भी कह सकते हैं, और ये लोग अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करते हैं और उनको बहुत प्यार और सम्मान भी देते हैं। अपने रिश्तेदारों के साथ इनके अच्छे संबंध रहते हैं, और पैसे और संपत्ति के मामले में भी ये लोग काफ़ी लकी माने जाते हैं। तो यह एक बहुत अच्छी तरह की शेप है जिसको हम एक परफेक्ट शेप कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और कैसा अंगूठा हो सकता है। तो यह है अंगूठा जिसको हम कह सकते हैं मुड़ा हुआ अंगूठा, और अगर आप इसको देखें आपको नज़र आएगा यहाँ से ये पूरा पीछे इतना टिल्ट हो रखा है, टिल्टेड टाइप की इसकी शेप नज़र आ रही है। और जिनका अंगूठा इस तरह से पीछे की तरफ मुड़ जाता है ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में खुद को ढालने में सक्षम रहते हैं। ये लोग बहुत पेशेंस से काम लेने वाले होते हैं, और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति से आसानी से निकल जाते हैं। यानी अगर कोई बुरी परिस्थिति कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस लाइफ में आ जाएं तो ये अपनी सूझबूझ का अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं और उसमें से निकल जाते हैं, और खुद को एडजस्ट करने की भी इनके अंदर काफ़ी अच्छी क्षमता रहती है। जिनके हाथ का अंगूठा लंबा हो और मोड़ने पर पीछे की तरफ झुक जाता हो ऐसे लोग सफल व्यापारी यानी बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। ये लोग सभी के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और अपने विचार सबसे कहते हैं, यानी बहुत ही खुले दिल के इंसान होते हैं ये, और अपनी बातें दिल में छुपाकर नहीं रखते और शेयर करना इनको अच्छा लगता है। इनमें कोई ईगो नहीं होती और ये लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट भी होते हैं। इनकी सिक्स सेंस और लॉजिक बहुत अच्छा होता है। ये लोग थोड़ा ज़्यादा बोलने वाले होते हैं और कोई इनसे बातों में तो इनसे कुछ जीत ही नहीं सकता, और इनका दिल बहुत बड़ा होता है। ये पैसे को प्रायोरिटी नहीं देती, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा नहीं होती, और अगर ये किसी से प्यार करते हैं तो उस पर अपनी जान तक वार देते हैं। इनको पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्सेस मिलती है, और ये लोग रिलीजियस माइंडेड होते हैं, और रिलीजियस जो संस्थान है, धार्मिक संस्थान है, उनमें भी इनको बहुत अच्छा स्थान मिलता है, उच्च ओहदा उसमें मिल सकता है, और दूसरों की मदद करना इनको बहुत अच्छा लगता है,
और अगर कभी कोई इमरजेंसी हो, किसी के ऊपर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, तो ये लोग मदद करने के लिए पैसा उधार भी ले सकते हैं। यानी इतने अच्छे दिल के होते हैं कि ये अगर जरूरत पड़े तो खुद से उधार लेकर भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ अलग अलग तरह के अंगूठे थे जो हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं, इनका प्रभाव हमारी पर्सनैलिटी पर रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।